जा रहे हैं, मम्मा फाइनली घर लेके जा रहे हैं। पापा का गोद में मोटा बाबू जा रहे हैं। हक दिया, हक दिया, दादी के गोदी में हक दिया। चाची को खिला सबसे पहले, घर प्रवेश किया है मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। So, hey guys, good morning. Welcome back to new vlog. फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। फ्रेश सुबह में भाई साहब, मैं तो मस्त सा रेडी हो चुका हूँ नहा वहाँ के, और इधर चल रहा है घर निकलने की तैयारी। इधर पूरा सामान वान बिखरा पड़ा है। ये भाई साहब, ये बहुत रो रही है, टिंगू हल्ला कर रही है, डिस्टर्ब कर रहे हो गाइस। ये है आपकी कंटेंट, आपकी ब्लॉगर जो कि एक बच्चे पैदा किए हैं, कैसे लग रहा है बताओ। खुशी तो देखो भाई, यहाँ पे पैकिंग वेकिंग चल रहा है। गिफ्ट में आएगा ना दीदी। तो गाइस फाइनली हमारा गाड़ी आ चुका है, हम निकलने वाले हैं घर। गाड़ी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आटा हाथ, जल्दी निकला। नहीं नहीं पर्दा हटा देना, पर्दा हटा था ना। थैंक यू चीज। चलो फिलहाल निकलते हैं गाइस। कैसे सो के उठ गई सिबू? हेलो सिबू, जाओ ना सिबू, तो अच्छे से बाबू के साथ रहा भी नहीं। जाओगी बेटू? एकदम मस्त वाला डेट रखेंगे, गुरुवार को देख करके वैसे ही रखेंगे, पूरा सलाह वाला डेट रहेगा। ठीक है चलो, जय मसीह, जय मसीह, अच्छा से रहना शिबू, जय मसीह। चल बेटा जय मसीह कर पहले, जय मसीह करो, चलो हेलो हेलो, जय मसीह करो। कैसे जय मसीह नहीं करता है, भाग रहे हो? फिर मिलते हैं ना। अच्छा अब तो आएगा 40-50 दिन बाद। बाय बाय। अरे मोटा, मोटा कहाँ आया है देख तो। ए मोटा, जय मसीह की। ठीक है ना, मोटे तेरे गाँव आ गया। ये भाई साहब तेरा ईमान, गणेशी का घर कैसे लग रही है? कैसे लग रहा है छोड़ के जा रही है? मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूं, करती है पर इस इंसान की वजह से मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मेरे घर जा रहा है। गाइस यहाँ तो फटाका शुरू हो गया, वो फट ही नहीं रहा है। वाओ गजब, कुछ तो जा रही है छोटे। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपना मंजिल, बाबू का अपना घर। ये रहा छोटी, हेलो छोटी, सब लोग इतना एक्साइटेड है ना देखने के लिए, पागल हो जा रहे हैं बाबू को। बाबू तो पूरा सोते सोते आए हैं, पता है, देख ली तो कितना तड़प रही थी देखने के लिए, पता। बहुत बहुत। अब चैन आया हमारे खातिरदारी में, पहले देखो तो बाबू का खातिरदारी में। चार पाँच तो फटाका नहीं फोड़ते यार। मोटा घर आ गया। ए मोटा घर आ गया, तेरा घर आ गया बेटू, आजा आजा, जिंदगी में पहली बार कभी वीडियो देख लेना। तो हमारा बाबू का आज सुस्वागतम और हमारा घर प्रवेश बाबू का हो रहा है फाइनली। गाइस कितना सुकून लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब, आज बाबू का, बाबू मेरा बच्चा, मेरा सोना बेटू। अब बाबू को गोदी में लेके कैसे लग रहा है आपको? इतनी खुशी हो रही है, सबसे ज्यादा तो ये तरस रही थी ना घर में। ओ भाई, बस बस ज्यादा पप्पी नहीं करना। तो इतने सारे बच्चे हमारे गांव के, हमारे पड़ोसी, इधर आ जाओ नन्हे मुन्ने बच्चे, हो बाबू को देखने के लिए दूर मत रहो। सब 10-10 रुपए लेके आना रे, छूना मत ना बाबू को, खाली देखना छूना मत तेरे को। सब दीदी लोग है, भैया लोग है, अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले जीवन में, प्रभु पिछले दिनों में कई प्रकार की समस्या दिक्कतें थी, लेकिन उससे निकाल कर हमें लाया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं विशेष प्रभु गणेश जी के जीवन के लिए। बाबू का घर ठीक है, बाबू की खुशी में गाइस हम केक काट रहे हैं, बच्चे लोग के लिए मीठा तो नहीं लाए बस।
वेलकम होम। चाहते हो खिला सबसे पहले? खाते जाना ना, बाबू का आशीर्वाद देते जाना, ठीक है? जाओ, तब तो तुम लोग के साथ बड़ा होके खेलेगा। हमारा न्यू बेबी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं, तो ये छोटा सा जो भी, वेलकम बेबी। ये रहा हमारा छोटा सा डेकोरेशन हमारे न्यू बाबू के लिए। इसमें पहली बार घर प्रवेश किया है मेरा बच्चा, लगा? हमारा बच्चा अच्छा लगा ना? बेबी शार होता ही क्या? बेबी शार ना बेबी होने से पहले करते हैं। और जो भी है भाई, है तो कम से कम मेरे बच्चे अपने घर में आ गया, बहुत खुश है बच्चा। ओ तेरा घर ही है सोनू, ठीक है गाइस। तो अभी फिलहाल तो रेस्ट करते हैं और मिलते हैं बाद में। तो ये हमारा छोटा सा बाबू के लिए, थोड़ा अच्छा लगे करके। कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, सच में। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी ऐसा होगा। ठीक है, तो बाबू का बेड ये रहा, बाबू का बेड में बाबू सोएगा। अब डेली ब्लॉग आने वाला है गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। तो ब्लॉग मस्त इंटरेस्टिंग के साथ देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो बाबू का वीडियो डालने में बहुत मजा आ रहा है गाइस। तो पापा भी आ गया, दोस्त को देखने नहीं दे रहे पापा का। वाह आ जाओ, ये देखो आपका दोस्त को। मुझे मत देखो। तो फाइनली पापा का गोद में बाबू जा रहा है, मोटा बाबू जा रहा है। गजब हो गया बाबू। मम्मी आ रही है बाबू को पहले देखने के लिए, देखते हैं चुपचाप। बाबू को देखने के लिए आ रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारी आयो मम्मा दादी बाबू की दादी। भाइयों के गोदी में आके शांति से बैठ गया है। मेरे पास में कोई नहीं रहता बाबू। हाँ? बाबू अभी पूरा फील आ रहा है कि मैं अपने परिवार, अपने जगह, अपने पूरा उसमें पहुंच गया बोल के खा जाता है। अभी छागी से बोट 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 कर रहा था। हक दिया, हक दिया, दादी के गोदी में हक दिया। पहला गोदी में ही हक दिया। वो बताना चाहता है कि अब तो दादी साफ करेगी। पापा गाइस अभी बाबू का पैर धोएगा, क्योंकि जब भी कोई नया मेहमान आता है घर में तो उनका पैर धो के ऐसे स्वागत किया जाता है। और मम्मी पापा का कहना है कि ऐसे नहीं धोने से उन लोग हमेशा रोते हैं, वो प्रेम खोजते हैं माँ बाप का और बड़े बुजुर्गों का, यही मानना है उन लोग का। इधर क्या हो गया गाइस? ये बोल रहा है मुझे गोदी करो, वो बोल रही है मुझे गोदी करो, बाबू को गोदी कर रहा है पापा। तो वो रेचल जल रही है, गजब हो गया यार सही में आज पूरा। तो गाइस अभी बाबू का आते ही नए घर में सब देखने, जीजा देखने आया सब कोई, और बोले कि चिकन खाएंगे। तो बाबू का घर आने का खुशी में क्या खा रहे हैं बाबू? हम लोग चिकन बना रहे हैं। तो चिकन में एकदम ऑयली नहीं डालना है, बहुत से ऐसे बात है जो चिकन में अवॉइड करना रहता है। मामू बना रहे हैं गाइस अपने बेटे है कि आने की खुशी में, घर आने की खुशी में। मेरे को लगा आप मेरे से बनाओगे लेकिन आप बना रहे हैं, थैंक यू। तो मिलिए गाइस, ये है मेरे दोनों भाची ईरानी। इतनी बड़ी हो गई यार, कितना पढ़ रही है? 8वीं आओ तू। 11 वेरी गुड। अच्छा कितना साल का डिफरेंट है दोनों में? बहुत बोले से 5-6 साल से ज्यादा होगा। हाँ लेकिन तेरे से बड़ी हो जाएगी देखना है। आई नो छोटे।